हेलो फूड लवर्स, कैसे हैं? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गुजरात के स्पेशल खमन ढोकला। तो मेरे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, मील विद माधव। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ढोकला। तो उसके लिए जो मैंने सामग्री ली है, उसमें मैंने एक कप बेसन, एक टेबल स्पून घी, एक नींबू का रस, एक चम्मच हल्दी, कुछ अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच चीनी, 8 से 10 करी पत्ते, कुछ मस्टर्ड सीड्स और बैटर को फ्लफी बनाने के लिए इनो का एक सैसे लिया है। तो चलिए हम लोग ढोकला बनाते हैं। तो एक छन्नी की मदद से सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। तो जब तक हम बेसन छान रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखिए दोस्तों, जो भी लम्स है वो छन्नी के ऊपर आ गया है और बेसन अच्छे से छन कर नीचे प्लेट में गया है, ये देखिए। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैं बेसन को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर रहा हूं। अब दोस्तों, इसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने 1 टीस्पून के आसपास लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन जूस दिया है और 1 टीस्पून के आसपास मैंने गाय का घी डाला है। अब इन सारे मिक्सचर्स को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, बेसन में सब मिल गया है। अब मैंने कुछ अजवाइन लिए हैं, इसे अपने हथेलियों पे मैंने रब करके मिक्सचर में डाला है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बनाना रेडी करता हूँ। तो आप एक बार में पानी ना दे, वरना लम्स बन सकता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे अच्छे से एक रिस्कर की सहायता से इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ा थिक है तो थोड़ा और पानी इसमें लगेगा। आपको बैटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इसे बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा और पानी में डाल रहा हूं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब तक बेसन हमारा सेट हो रहा है, हम यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाल करके प्री हीट होने के लिए देंगे। दोस्तों, आप ढोकला स्टैंड में भी ढोकला बना सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ। तो मैंने पानी डाल करके बीच में एक स्टैंड रखा है जाली, और उसके ऊपर मैंने एक ढोकला बनाने के लिए प्लेट रखा है। अब इस प्लेट को घी डाल करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और बैटर काफी थिक हो चुका है। तो देखिए, इसे फिर भी एक बार हम मिला लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून के आसपास इनो लिया है। आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा आप 1/2 टीस्पून लें। और मैंने इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है बैटर में। देखिए, हमारा बैटर का टेक्सचर काफी फ्लफी हो गया ये। तो दोस्तों, इनो डालने के बाद आप इसे तुरंत ढोकला प्लेट पर ट्रांसफर करें और बनने के लिए कढ़ाई में डाल दें। इस प्रोसेस में आपको लेट नहीं करना चाहिए,
वरना ढोकला आपकी स्पॉन्जी नहीं बनेगी। तो मैंने इसे हल्का टैप किया अपने हाथ पे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पानी गर्म हो गया है, कढ़ाई प्री हीट अच्छे से हो गया है। अब बीच में मैंने ढोकला प्लेट डाल दिया है और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक ढोकला पक रहा है, हम तड़का लगाने के लिए तड़का सिरप रेडी करेंगे। तो मैंने एक फ्राइंग पैन डाला है, जो भी बची हुई घी थी एक टीस्पून के आसपास मैंने वो घी डाला है। तड़के के लिए मैंने इसमें ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाला है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको ग्रीन चिलीज नहीं दिखाए थे, तो मैं इसमें 2 से 3 ग्रीन चिली इसे लंबे लंबे चीर करके डाला है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। 8 से 10 करी पत्ता डालेंगे, इसे फिर मिला लेंगे और इसमें मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है और 1 टीस्पून के आसपास चीनी और स्वाद के लिए एकदम हल्का नमक। अब इसे एक बार मिला करके इसमें 1 कप के आसपास पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ हमें सिरप रेडी करना है। तो ये हमारा चटपटा तड़का तैयार है। तो गैस हम कर देते हैं बंद और चेक करते हैं ढोकला को। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ढोकला भी फूलने लगा है, तो हम एक टूथपिक की सहायता से इसे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है 80% के आसपास ये बन गया है। इसमें टूथपिक पे अभी बैटर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट और पका लेता हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारा ढोकला रेडी हो गया है। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें बहुत अच्छे से टूथपिक बाहर आ रहा है, इसमें थोड़ा भी बैटर नहीं लग रहा है। तो चलिए हम गैस को कर देते हैं बंद और बहुत ही सावधानी से इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी, तो इसे बाहर निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ढोकला हमारा हल्का ठंडा हो गया, इसे पूरा ठंडा नहीं करेंगे, ये हल्का वार्म ही रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसे टैप करेंगे पलट के। ये देखिए हमारा ढोकला कितना फ्लफी और बहुत ही अच्छे से बाहर आ गया है। आप प्लेट में भी देख सकते, थोड़ा भी नहीं लगा है। आपको मैं इसका दिखाता हूँ टेक्सचर, ये देखिए कितना फ्लफी है, वाओ, एकदम ब्रेड की जैसा बना है। ये देखिए कितने अच्छे से जाली आई है इसमें। तो हम एक नाइफ की सहायता से इसे कट कर लेते हैं, लेकिन पहले नाइफ को हम हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये कट हो रहा है। कट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं ये कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए दोस्तों, कितना स्पॉन्जी है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम स्पंज की तरह, वाह। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। जो हमने तड़का सिरप रेडी किया है, उसे हर ढोकले पे अच्छी तरह से धीरे धीरे डालेंगे। हर ढोकले पे अच्छे से सिरप को डालना है और सिरप हल्का गर्म रहना चाहिए और ढोकला भी हल्का गर्म ही होना चाहिए, तभी ये सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। तो देखिए, मैं अच्छे से सिरप को इस पे डाल दिया हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है, कितना स्पॉन्जी बना है। तो मैं एक खा के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वाओ। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो तब तक के लिए अच्छे से कुछ ढोकला प्लेट में रखेंगे।
मैंने ढोकला सर्व कर दिया है और चटनी में मैंने पुदीने की चटनी और गार्लिक रेड चिली की चटनी साथ में सर्व किया है। तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।